डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा करेंगे रूसो पे, जो कि फिलोसॉफिकल फादर माने जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। अपने टाइम के रिवॉल्यूशनरी ऑथर, फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिनकी आज भी गूंज जो है हर जगह डेमोक्रेसी से लेके टोटलिटेरियन रेजिम में सुनाई पड़ती है। हम चर्चा करेंगे ओरिजिन, उनके आइडियाज ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, जनरल विल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस बिगिन द फैसिनेटिंग डिस्कशन ऑन रूसोज पॉलिटिकल थॉट्स। आइए देखें पास्ट ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस को। सिलेबस मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर आता है। ये सिक्स सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज की सिलेबस में आता है। और ये जो पॉलिटिकल थॉट है, रोमांटिसिज्म के अंदर है। जॉन जैक रूसो की जनरल विल, लोकल और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट एंड ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी पे पढ़ाई करनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सभी उसके अंदर ही आती हैं। 2019 में चार साल का मैंने क्वेश्चन लिया है। सभी डी यू से अदर यूनिवर्सिटीज में बेसिक पूछे जाते होंगे। 2019 में क्वेश्चन है, रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल इज एन अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट रियल विल फ्रॉम एक्चुअल विल, एक्सप्लेन। ये मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करने की। 2018 में क्वेश्चन है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज। ये पहला लाइन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक का, जिसका मीनिंग बहुत ऑब्वियस है। आफ्टर दिस वीडियो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अलग से एक वीडियो कुछ क्वेश्चन को लेकर बनाओ जिसमें इसको भी डिस्कस करेंगे। 2017 में है डिस्कस रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल, ये इस पे काफी डिस्कस हुआ है। 2016 में रूसोज आइडिया ऑफ जनरल विल हैज इंस्पायर्ड बोथ डेमोक्रेट्स एंड ऑथोरिटेरियंस, ये मैंने डिस्कस किया है। व्हाइल क्रिटिसाइजिंग, जब क्रिटिसाइज करते हैं प्रोस एंड कॉन्स, तो उसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। एक नोट भी पूछी गई है रूसो ऑन इनइक्वलिटी। So these are the past year's question and syllabus. Let us see the life and time of Rousseau. किसी भी political thinker के जीवनी के बारे में और उस समय के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि वही reflect करता है उनके सोच में। वो अपने समय को ही अपने philosophy में बताते हैं। तो Jean Jacques Rousseau was born in Geneva, Switzerland, as son of a watchmaker. और his mother died due to complication of his birth. This made his childhood lonely and relation bit in strain with father. आप समझ सकते हैं कि यदि मदर की डेथ हो जाए बच्चे के जन्म में, तो कैसा उसका रिलेशनशिप उसके फादर और कैसा उसका चाइल्डहुड, कितना लोनली हो सकता है। ये उसके जीवन पर बहुत ही असर पड़ा। कई लोग कहते हैं कि उनके जो जीवन में अनहैप्पीनेस था, दुख था, उसका कारण वो इवेंट था जो उनकी मदर का डेथ था। In 1742 he moved to Paris. Basically he was a French, had widely traveled and read, बट नॉट फॉर्मली एजुकेटेड। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इनफॉर्मल पढ़ाई की थी, बहुत ज्यादा ट्रेवल किया था और बहुत सारी पढ़ाई की थी। देयर ही बिकेम पार्ट ऑफ द इनलाइटनमेंट। उस समय में प्रोग्रेस, रीजन, साइंस का पीरियड था, इनलाइटनमेंट कहते थे। फिलोसफर्स के ग्रुप थे, उसको सलून बोलते थे, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। वहां सबसे बड़े फिलोसफर थे डायड्रा, वो लिख रहे थे इंसाइक्लोपीडिया फ्यूचर जनरेशन को इनलाइटनमेंट का नॉलेज देने के लिए। रूसो जो उनके कई चैप्टर्स लिखने लगे, वहां उन्होंने लिखा डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर उनकी लाइफ जो पूरी तरह से बदल गई दो ऐसे से। 1749 में वेदर रिस्टोरेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ मोरल, ये एकेडमी ऑफ जुजॉन का जो है वो एक ऐसे कंपटीशन था। उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि नहीं, इसका उल्टा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने करप्ट किया ह्यूमैनिटी को और डिबेस किया ह्यूमन नेचर को, इससे पूरी तहलका मच गई। उसके पांच साल बाद उन्होंने सेकेंड ऐसे लिखा, वो भी एक ऐसे कंपटीशन में, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी एंड इट्स इज इट ऑथेंटिकेटेड बाय नेचर। इसका जो उन्होंने निगेटिव में दिया, उन्होंने कहा नहीं, मॉडर्न सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ रूट कॉज ऑफ इनइक्वलिटी। ये दो ऐसे उनके जीवन की जो है रास्ते को उन्होंने बदल दिया। 1762 में ही पब्लिश्ड हिज सेमिनल वर्क सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सेम ईयर उन्होंने लिखा एमएलई ऑन एजुकेशन, वो भी एजुकेशन पे इक्विटी मानी जाती है। उनकी ऑटोबायोग्राफी द कन्फेशन वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1782। ही लिव्ड लाइफ ऑफ फ्यूजिटिव, इधर भागते थे इंग्लैंड एंड मेनी अदर जगह, बहुत लोनली हो गए थे, सारे दोस्त ने उनको छोड़ दिया था। एंड ही वॉज हॉन्टेड बाय द पावर्स जो उस समय के थे, एंड ही बिकेम पैरानॉइड सॉर्ट ऑफ हो गए, मेंटली डिसरेंज हो गए। देन उनकी लाइफ को जो है पैराडॉक्स डिफाइन करता है, उनके लाइफ और राइटिंग को, सब जो है वो एक तरह से आयरनिकल पैराडॉक्स था। वो खुद जो है उन्होंने अपने पांच बच्चों को ऑर्फनेज में छोड़ दिया, लेकिन वो कहते थे कि पेरेंट को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। उनकी राइटिंग जो है वो एक मिक्सचर थी ओल्ड क्लासिकल की और मॉडर्न इनलाइटनमेंट की, तो सब कुछ पैराडॉक्स से भरा था जो हम लोग देखेंगे। ही वॉज इमेंसली टैलेंटेड, ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, हाईली ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल इन हिज टाइम, बट वेरी वेरी कंट्रोवर्सियल एंड लार्जली मिसअंडरस्टूड। उनके फिलोसफी को सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से यूज किया, बी डेमोक्रेट और ऑथोरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन रेजिम में। तो दिस इज लाइफ एंड टाइम ऑफ।
रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले लेट अस सी कि प्रॉब्लम प्रपोजिशन क्या थी, कैसे उन्होंने फ्रेम किया कि समस्या क्या थी जिसका सॉल्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। फर्स्ट इज हाउ द सिविल सोसाइटी और सिविलाइजेशन करप्टेड ह्यूमैनिटी एंड डिबेस्ड ह्यूमन नेचर, कैसे ये जर्नी स्टेट ऑफ नेचर जिसको कि नोबल सैवेज समझ सकते हैं रूसो की नजर में, से कैसे जो है पर्सनल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी लूज हो गई। लेट अस सी हाउ रूसो फ्रेम द प्रॉब्लम। फर्स्ट आइसोलेटेड लिविंग थी ह्यूमन की, उस समय में जब कोई स्पीच नहीं था, उन्होंने लैंग्वेज डेवलप नहीं किया था, सोसाइटी नहीं थी, रीजन नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, केवल नेचुरल थोड़ी बहुत इनइक्वलिटी थी, बट ऐसे पूरी तरह 100% लिबर्टी एंड इक्वलिटी थी। सैवेज मैन को केवल दो इननेट फीलिंग था, एक था सेल्फ लव, अपने को बचाना है, जिसको फ्रेंच में आप कह सकते हैं अमोर दू स्वे, एंड पिटी फॉर अदर्स, जो हर जानवर को होती है वो ह्यूमन में भी ज्यादा थी, दूसरे के दर्द को देख करके पिघल जाना, बस दो इननेट फीलिंग थी। लाइफ वॉज सेल्फ सफिशियंट, ना कोई ज्यादा प्लेंटी था, ना स्कार्सिटी था, नाइदर हैप्पीनेस नॉर अनहैप्पीनेस, एमोरल था, मतलब मोरल नहीं था, क्योंकि मोरलिटी रूसो के अनुसार सोसाइटी के बाद आती है, मोरल जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो कोई मोरल नहीं था, कोई रीजन नहीं था, लैटेंट स्टेज में रीजन था, एंड ए सोशल था, कोई एंटी सोशल नहीं था, कोई सोसाइटी नहीं थी, सो लाइफ वॉज फ्रूगल लेजी कंटेंटेड पीसफुल। अब क्या होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप करती है, सेटल लाइफ शुरू होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू होता है, मेटलर्जी की खोज होती है, मेटल का यूज करना शुरू करता है, और सिविलाइजेशन ग्रो करता है, राइस एंड कॉर्न एंड आयरन। अब सिविल सोसाइटी जो है बनती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई अपना एक जमीन घेर लेता है, चिल्ला के कहता है ये मेरा जमीन है, और सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होने लगते हैं, लॉ बन जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जिनके पास रिसोर्स है वो पावरफुल बन जाते हैं, जिनके पास कम है उन पे वो डोमिनेट करते हैं, सोशल क्लास बनता है, और कंपटीशन शुरू होती है, वैनिटी इगोइज्म जेलसनेसनेस और इनमिटी होती है डेवलप, और लाइफ जो है वो अमा दोसोई से जो है अमूर प्रॉपर बन जाता है, फ्रेंच में माने की लिविंग इन ओपिनियन ऑफ अदर, आप इसलिए जीते हैं कि लोग कैसा आपको देखते हैं, आपको कितनी प्रेस्टीज है, कितनी वैल्यू है, कितनी पावर है, अपने लिए आप जीना बंद कर देते हैं। दस सिविलाइजेशन करप्टेड नोबल सैवेज एंड डीबेस्ड ह्यूमन नेचर, इट रॉब बोथ, छीन लिया दोनों चीज, पॉलिटिकल और पर्सनल लिबर्टी दोनों ही आदमी का चला गया। पॉलिटिकल क्योंकि पावर से आप डोमिनेटेड हैं तो आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी चली गई, और जैसे ही आप एक कंपटीशन में पड़ते हैं, आप दूसरे के लिए जीने लगते हैं, तो अपनी इनर फ्रीडम मोरल फ्रीडम भी लूज कर जाते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम प्रपोजिशन इन व्यू ऑफ रूसो। आइए अब देखें कि इनइक्वलिटी को कैसे फ्रेम किया एज ए प्रॉब्लम मॉडर्न समाज की रूसो ने। इन हिज सेकेंड डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी ही विजुअलाइज दैट इनइक्वलिटी इन रिसोर्सेज, सोशियो इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज ए फीचर ऑफ मॉडर्न सिविल सोसाइटी। ये जो है स्टेट ऑफ नेचर में नोन नहीं था, वहां पे नेचुरल इनइक्वलिटी थी थोड़ी बहुत, जो इवन आउट हो जाती थी, ये कि मेरा प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास नहीं है, ये सिविलाइजेशन की देन है। एंड रूट कॉज ऑफ इनइक्वलिटी इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन हिज व्यू इंडिविजुअल्स पोजेसिंग सुपीरियर नेचुरल एबिलिटी, जिनके पास ज्यादा थोड़ी ताकत थी, ज्यादा थोड़ी सी रीजन थी, अदर एबिलिटीज थी नेचुरल, दे एक्वायर्ड मोर रिसोर्सेज काउजिंग रिसोर्स इनइक्वलिटी एंड इट डेवलप्ड सोशल क्लासेस। कुछ जिनके पास प्रॉपर्टी है एंड प्रॉपर्टी लेस क्लासेस, हैव एंड हैव नॉट्स, एंड वेल्थ रैंक पावर प्रेस्टीज पर्सनल मेरिट इज ऑल बिकेम डायमेंशंस ऑफ इनइक्वलिटी। अब क्या हुआ, रिसोर्सफुल पर्सन्स गेन्ड पावर, पॉलिटिकल पावर, और दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग और यूजिंग दोज पावर ओवर द मासेस, दोज वेयर रिसोर्स लेस। पावरफुल रिसोर्सफुल पीपल, पावरफुल पीपल फ्रेम्ड लॉ लेजिटिमाइजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा यह प्राइवेट प्रॉपर्टी होना जो है लेजिटिमेट है, लीगल है, रूल है। एंड इन रूसोज ओन वर्ड्स, ownership of property is the performance of inequality and protection of private property rights is enshrinement of inequality by the state. So state khud jo hai ban gayi ek instrument jisne enshrine kar diya inequality ko, protect karke by law private property ko. So instead of life kaise badal gaya, hum log ne dekha pichle slide mein, self love ke bajaye people started living in the opinions of other, dusre ke liye jeene lage, vanity develop ki, ego, passion, desire, jealousy, enmity, competition, and this were the corrupting effects of civilization. And conception of state based on individual rights and negative freedom and in
private property is immoral, unjust and unequal state in view of Rousseau. अब आइए समझने की कोशिश करें उनके सिमिलर वर्क सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। यदि सोचें तो उन्होंने क्या कैसे वो आगे बढ़े। फर्स्ट ही एनालाइज प्री सिविल सोसाइटी एज, जो हमारे मॉडर्न एज से पहले, जिनको उन्होंने एक तरह से समझा नोबल सैवेज के तौर पे, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, ह्यूमन नेचर बेसिकली गुड था और कैसे लोग जो है एक फ्रूगल कंटेंटेड लाइफ जी रहे थे। उसके बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन आता है, खेती आती है, मेटलर्जी आती है, उसको उन्होंने आयरन एंड कॉर्न बोला, बट उनके अनुसार से इट करप्टेड ह्यूमैनिटी, इनइक्वलिटी लाई और ह्यूमन नेचर भी जो ह्यूब्रिस से भर गया, ईगो, डिजायर, पैशन, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। इफ इट इज सो, तो उनका चैलेंज ये था, क्वेश्चन हाउ टू रिफॉर्म द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, जो कि पहले अच्छा था लेकिन प्रोग्रेस नहीं थी, अब प्रोग्रेस है, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, लेकिन हमारी नेचर और हमारा ह्यूमैनिटी करप्ट हो गया है। इन दोनों में कैसे सामंजस्य लाया जाए, कैसे रिकॉन्साइल किया जाए, फ्रीडम जो हमारी थी जो खत्म हो गई है पावर से, डोमिनेशन से, लेकिन फ्रीडम के साथ ऑथोरिटी ऑर्डर भी कैसे रहे। रीजन हमें आ गई है लेकिन फीलिंग जो है कंपैशन की, दूसरे पे पीटी की, वो खत्म हो गई है, वो रीजन एंड फीलिंग कैसे रिकंसाइल हो। जस्टिस यूटिलिटी के साथ कैसे रिकंसाइल हो, मतलब दूसरे के बारे में भी सोचे, अपने बारे में भी कैसे रिकंसाइल हो। मॉडर्न लाइफ भी जिए लेकिन हमारी नोबिलिटी भी बनी रहे कैसे हो, इथिक्स भी बना रहे, वर्चुअसिटी जो पास्ट की है वो भी बना रहे लेकिन मॉडर्न लाइफ का भी साथ ना छोड़े। इसको उन्होंने एक सॉल्यूशन के तौर पे दिया, यस माय सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द सॉल्यूशन। यदि इस तरह से समाज को फ्रेम किया जाए, जो हम लोग देखेंगे उन्होंने जो उपाय बताया, तो हम एक ही साथ ये सब को रिकंसाइल कर सकते हैं, एक गुड जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि सभी को इक्वल सिटीजनशिप देता है, मोरल फ्रीडम देता है, एक लाइफ, मॉडर्न लाइफ विथ प्री सिविलाइजेशनल गुडनेस एंड वर्चुअसिटी को मेंटेन रखता है। सो लेट अस सी व्हाट वाज हिज प्रिस्क्रिप्शन इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल एज इक्वल इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको उन्होंने बोला एक प्रोसेस, कंटिन्यूअस, एक कोई इवेंट नहीं है, लगातार एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है पीपल का एज इक्वल सिटीजन, और एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कोवेनेंट है विद ईच अदर, और सभी के साथ और उस कम्युनिटी के साथ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट में पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म ए कम्युनिटी। वो कम्युनिटी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, रिपब्लिक है, एक बॉडी पॉलिटिक है। बॉडी पॉलिटिक मतलब उसका एक अपना पर्सोना है, एक आदमी के जैसा एक ऑर्गेनिक होल है, जिसका हर इंडिविजुअल एक इंडिविजिबल पार्ट बन जाता है उस ऑर्गन का, बॉडी पॉलिटिक का, उन्होंने कम्युनिटी बोला और रिपब्लिक समझ लीजिए। देन इंडिविजुअल्स सब कुछ समाहित कर देता है, अपना पावर, राइट्स, पोजीशंस, आइडेंटिटी, सब कुछ उस कम्युनिटी में जो है एक तरह से सबज्यूम कर देता है, उसका एक इंडिविजुअल पार्ट बन जाता है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में वो गेन करता है, व्हाट इंडिविजुअल गेन, दे गेन द कॉमन फोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इक्वल सिटीजनशिप, सोवरेंटी, इक्वल सोवरेंटी उसमें निहित हो जाती है, सिविल लिबर्टी वो पाता है, मतलब सैवेज लिबर्टी जो पहले थी उसके बदले वो सिविल लिबर्टी पाता है, मोरल फ्रीडम पाता है, अपनी एक आइडेंटिटी उसको मिलती है, एक लार्जर आइडेंटिटी जो कम्युनिटी से डराइव होती है, और एक फोरम मिलता है फॉर जस्ट एंड मोरल एक्ट करने का। द कम्युनिटी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर आर डायरेक्टेड बाय जनरल विल। जनरल विल क्या है, वो कॉमन गुड को रिफ्लेक्ट करता है, वो एक पब्लिक इंटरेस्टेडनेस को रिफ्लेक्ट करता है, वो जो सबके लिए अच्छा है, जो कि जस्ट है, मोरल है, इथिक्स है, ऐसा जो एक्ट है या ऐसी जो विल है वो जनरल विल है। उसी से जो है कम्युनिटी गाइडेड होती है, उसी से इंडिविजुअल भी गाइडेड होता है। जब इंडिविजुअल एक सिटीजन के तौर पे बिहेव करता है तो ऑलवेज वो जनरल विल को ही सपोर्ट करता है। रूसो के अनुसार बाय ओबेइंग लॉ flowing from general will, members are obeying themselves. General will के तौर पे यदि कोई law बनती है, if it is coming from general will,
तो वो लॉ हमेशा जस्ट होगी, राइट होगा, पब्लिक गुड के लिए होगा, पब्लिक यूटिलिटी के लिए होगा, किसी एक आदमी के लिए नहीं होगा, समाज के भले के लिए होगा। इसलिए उस लॉ को जो कि एज ए सिटीजन हमने खुद अपने को दिया है, यदि उसको हम ओबे करते हैं तो आप अपने आप को ओबे करते हैं। इनफैक्ट रूसो के अनुसार अपने हायर सेल्फ को ओबे करते हैं जो हमें वर्चुअस सेल्फ है, और ऐसा करने से हम मोरल फ्रीडम गेन करते हैं। जैसे कि अभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने हायर सेल्फ के द्वारा गाइडेड हूँ, मैं ऐसे जस्ट इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा फ्री हूँ। इंस्टीट की इसी टाइम में मैं ऐसे ही मान लीजिए कि वाइन पी रहे हैं और सिनेमा देख रहे हैं, रूसो के अनुसार आई एम गेटिंग मोरल फ्रीडम बाई डूइंग गुड थिंग, वर्चुअस थिंग। तो दिस इज द वे, आप यदि जनरल विल को फॉलो करते हैं, उससे जो लॉ निकलती है उसको यदि मानते हैं, तो आप मोरल फ्रीडम गेन करते हैं। आपको ये फील नहीं होता कि कोई पावर एंड डोमिनेशन है, जो ऑथोरिटी है वो जस्ट है, इथिकल है, मोरल है, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी पॉलिटिक कम्युनिटी है विच इज डायरेक्टेड एंड गाइडेड बाय द जनरल विल, पब्लिक गुड, कॉमन गुड से गाइडेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो। आइए अब देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और फीचर्स क्या हैं, ये और क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। सबसे पहला है कि ये कोई रियल घटना नहीं है, ये एक लॉजिकल इमेजिनेशन है फिलोसोफर की, और या इसको कह सकते हैं एक कंस्ट्रक्ट है, इमेजिनेटिव कंस्ट्रक्ट। दूसरा ये बहुत ऑब्वियस है जो फर्स्ट बात है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, बट इसको इमेजिन कीजिए कि किस तरह से स्टेट ऑफ नेचर से ट्रांसफॉर्म होकर के मॉडर्न सोसाइटी कैसे बन सकती है एक आइडियल के बेसिस पे, वो उन्होंने बताया, या कैसा बनना चाहिए वो, उसको आप समझ सकते हैं बेंचमार्क के जैसा एक आइडियल है, जिसके स्टैंडर्ड है जिससे आप एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि इट इज कोई एक टाइम इवेंट नहीं है, ऐसे हुआ कि एक दिन हो गया और खत्म हो गया। रूसो कहते हैं इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेचर टू ए मॉडर्न सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो एक सॉवरन होती है, एक प्रोसेस है, ये लगातार आपको ये करना होता है। थर्ड है पॉपुलर सॉवरेंटी। वैसे तो पॉपुलर सॉवरेंटी लॉक ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने उसको निहित कर दिया था रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में, आप चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, पार्लियामेंट को, उसमें सॉवरेंटी निहित हो जाती है, वेस्टेड हो जाती है। इसने रूसो ने उसको एक नया आयाम दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, कम्युनिटी पूरी तरह से सॉवरेन है, ईच ऑफ इट्स मेंबर जो सिटीजन है ओन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉवरेंटी। मान लीजिए 1,000 लोग हैं एक कम्युनिटी में, तो 1,000 जो सॉवरेंटी है हर कम्युनिटी मेंबर में निहित है, जैसे शेयर मार्केट में इक्विटी होती है। ये एकदम एक नया कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सॉवरेंटी कभी भी डेलीगेट नहीं किया सकती, रिप्रेजेंट नहीं किया सकती, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये ऑलवेज कम्युनिटी के पास रहनी चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ कम्युनिटी वन गेट्स बैक बोथ पॉलिटिकल एंड पर्सनल लिबर्टी। कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे आपको वापस लौटा देता है दोनों टाइप की लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, क्योंकि अब कोई भी किसी पावर से डोमिनेटेड नहीं है। जब आप एक इक्वल सिटीजन बनते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कम्युनिटी की, तो केवल आप अपना ऑर्डर मानते हैं, जो जनरल विल है जिससे सारे लॉ निकलते हैं, उसके ऑथर खुद आप हैं। बाय ओबेइंग जनरल विल और लॉ बेस्ड ऑन जनरल विल, यू आर ओबेइंग योरसेल्फ, नॉट एनी अदर पावर। इसलिए आपको फुल पॉलिटिकल लिबर्टी मिल जाती है। पर्सनल लिबर्टी इसलिए मिलती है कि जब आप सिटीजन के तौर पे बिहेव करते हैं, आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, तो अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होते हैं, तो आपको मोरल फ्रीडम मिलता है, क्योंकि आप सेल्फ मास्टरी लेते हैं, अपने विल के ऊपर आपका जो है काबू हो जाता है, एंड दैट इज द इनर फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम एज पर रूसो। देन लास्ट है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ए डिवाइस, इसीलिए ये रिपीट मैं कर रहा हूँ, एक डिवाइस बन गया एक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देने का, टू यूनाइट लिबर्टी विद ऑथोरिटी। आपने देखा कि एक ऑथोरिटी तो है, ऑर्डर तो है, लेकिन पूरी फुल पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ, तो लिबर्टी विद ऑथोरिटी यूनाइट हो गई, रीजन विद फीलिंग हो गई। आप सोच तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जो है एक हो गया है, इसलिए रीजन आपके फीलिंग फॉर अदर, पिटी फॉर अदर, कंपैशन फॉर अदर, उससे जो है आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट का रीजन है या रैशनल रीजन है वो भी फ्यूज हो गया है, मोरलिटी विद रैशनलिटी से फ्यूज हो गया है, और पब्लिक इंटरेस्ट जो है सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को आप जस्टिस कर सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को यूटिलिटी, तो जस्टिस यूटिलिटी से जो है यूनाइट हो गया। सो दिस इज द डिवाइस, बाई दिस ऑल जो कंट्राडिक्शन है वो यूनाइट हो जाते हैं।
आइए अब रूसो के जनरल विल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि विल है क्या फिलॉसफी में और उसके क्या प्रकार हैं। ये एग्जामिनेशन में वैसे भी आपको पूछा सकता है। इसके मायने को यदि देखें तो इट इज ए इनर मैकेनिज्म टू चूज अमॉन्ग मेनी डिजायर्स वॉन्ट विश क्रेविंग, जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति। एग्जाम्पल देखिए, मैं अभी सिनेमा नहीं देख करके मैं आपको वीडियो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अभी अपने दोस्तों से गप्पे नहीं मार के इस पढ़ाई के वीडियो को देख रहे हैं। कैसे आपने चुना, कैसे मैंने चुना, ये जब हमारे अंदर में किसी एक टाइम में कई सारे डिजायर्स आते हैं, वॉन्ट आते हैं, कई चीज की क्रेविंग आती है, उसमें से एक को चुनने की जो मैकेनिज्म है वो विल है। सो इट बिकम्स ए पॉजिटिव फोर्स फॉर कंट्रोलिंग एंड यूजिंग वंस इंस्टिंक्चुअल ड्राइव, जो इंस्टिंक्ट में हमें जो ऐसे ड्राइव आती है उसको एक चैनलाइज करने का एक माध्यम बन जाता है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सो इट बिकम्स द मोटिवेटिंग फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर। इसके यदि टाइप्स देखें तो सबसे पहला है रियल और ट्रू विल। रियल और ट्रू विल जो है ये हमारे हायर सेल्फ जो हमारा डिजायर करता है। जैसे अभी मैं मान लीजिए अपने टाइम को एक अच्छे चीज में लगा रहा हूँ जिसको समाज अच्छा मानती है कि पढ़ाई में, तो वो हम अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होते हैं। एक व्यू है ये जो रूसो मानते हैं। जो हायर सेल्फ रैशनल होता है, ऑथेंटिक होता है, वर्चुअस होता है, वो लॉन्ग टर्म में सोचता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं सोचता है, वो हमारा ट्रू सेल्फ है। तो उससे जो विल गाइडेड होता है वो रियल विल है। अब एक्चुअल विल सब उसका उल्टा है, जो हमारे लोअर सेल्फ से गाइडेड होता है, जो इरेशनल है, इंपल्सिव है, लस्टफुल है, इंपिरिकल है, जो हमें जो दिखता है वही करते हैं, जो हमें तुरंत अच्छा लगता है वही करते हैं। वो बिलीफ एंड डिजायर से जो हमारा विल गाइडेड होता है वो एक्चुअल विल है या लोअर सेल्फ विल है। देन प्राइवेट और इंडिविजुअल विल बहुत सिंपल है कि इट रिफ्लेक्ट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल। यदि एक कम्युनिटी में आप हैं, एक समाज में आप हैं, तो आप अपने यदि सेल्फ इंटरेस्ट में किसी डिजायर को प्रेफरेंस देते हैं तो आपका प्राइवेट या इंडिविजुअल विल है। कॉर्पोरेट विल है यदि एक ग्रुप का, एक कम्युनिटी में एक सेक्शन बन गया, फैक्शन बन गया, उसका जो विल है वो भी एक तरह से प्राइवेट विल हो जाता है, लेकिन एक ग्रुप का प्राइवेट विल हो जाता है, वो कॉर्पोरेट विल है। और जनरल विल क्या होता है? जनरल विल जो है रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विल ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक पूरे स्टेट का, जो रूसो ने कहा कि सोशल कॉन्टेक्ट से बनता है बॉडी पॉलिटिक, उसका जो पब्लिक गुड है, जो सबके भले के लिए जो होता है, जो फ्लो करता है, जो विल, इट ऑलवेज राइट होता है, वो हमेशा सही होता है, जस्ट होता है, मोरल होता है, और वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है, किसी प्राइवेट यूटिलिटी के नहीं, पब्लिक गुड के लिए होता है, प्राइवेट गुड के लिए नहीं, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं, उसको जनरल विल रूसो ने कहा। सो जनरल विल इज द सिंथेसिस ऑफ रियल विल, ट्रू विल उसका सिंथेसिस है, इस अर्थमैटिक समेशन नहीं है, उसका सिंथेसिस है। इट इज इम्बॉडीमेंट ऑफ अल्ट्रुइज्म, जब आप दूसरे के लिए सोचने लगते हैं, सभी मिलके जब दूसरे के लिए सोचते हैं तो जो विल निकलती है वो जनरल विल होती है। इट रिप्रेजेंट सोवरेनिटी ऑफ द कम्युनिटी फॉर्म बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आइए देखें कि इसके फीचर्स क्या हैं जनरल विल के रूसो के अनुसार। इट रिप्रेजेंट कलेक्टिव विल ऑफ द कम्युनिटी, द बॉडी पॉलिटिक, ये तो हमने पिछले स्लाइड में देखा। इट इज जस्ट, मोरल, एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी, ये भी हम लोगों ने देखा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेशर देता है, पब्लिक यूटिलिटी को देता है, और पब्लिक के लिए, सबके भले के लिए होता है, किसी प्राइवेट इंटरेस्ट या प्राइवेट यूटिलिटी को मद्देनजर में नहीं रखता है। सिटीजन्स एक्टिंग जस्ट एंड मोरल अराइव एट जनरल विल। रूसो कहता है कि यदि सिटीजन उस भावना से चले जहां पे वो दूसरे के बारे में सोचने लगता है और अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होने लगे, तो वो ऑलवेज जो है दे मिल करके डिलिब्रेट करेंगे, तो वो जनरल विल पे पहुंचेंगे जो सबके कॉमन गुड के लिए होगा। और ऐसा जनरल विल जो है ऑलवेज बाय डेफिनेशन इट विल ऑलवेज बी राइट एंड इट विल रिफ्लेक्ट द कॉमन और पब्लिक गुड। So it is nothing but voice of all for the good of all. And general will, देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत important है। वो कहते हैं कि general will is not an aggregation of particular or private will of community member. ये कोई arithmetic जो है जोर नहीं है कि सभी के private will को जोर दिया, जैसे liberalism में कहते हैं, और आपको जो है public जो interest है वो पता लग गया। It is not like that.
जब आप उस भावना से काम करते हैं जहां पे कि आप सबका भला सोचते हैं, जब अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होते हैं, जब आप मोरल और जस्ट डिसीजन मेकिंग करने की हालत में होते हैं, और तब आप मिलकर के कम्युनिटी के भले के लिए जो सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो जनरल विल में रिफ्लेक्ट होता है। सो इट रिप्रेजेंट द सिंथेसिस, नॉट सिंपल अर्थमेटिक समेसन, इट रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ रियल विल ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। The general will is not determined on the basis of number of votes. दूसरा ये है कि ये मत समझिए कि यदि 100% लोगों ने वोट दे दिया तो वो जनरल विल ही होगा। हो सकता है कि सभी लोग अपने प्राइवेट इंटरेस्ट में वोट दे रहे हो, पूरी यूनानिमिटी के बाद भी वो जनरल विल नहीं है। जनरल विल उसके नेचर से डिपेंड करती है, उसके कॉमन गुड होने से, उसके पब्लिक इंटरेस्टेडनेस से डिपेंड करती है, उसके पब्लिक यूटिलिटी से डिपेंड करती है, ना कि नंबर ऑफ वोट से। जनरल विल इज ए पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ नोवेल सेवेज। आपने जो देखा कि नोवेल सेवेजिटी जो हमारी थी उसका ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। यदि हमें वो इननेट गुण हमें वापस लौट जाए, सेल्फ लव एंड नेचुरल पिटी फॉर अदर्स, तो वी विल अराइव एट जनरल विल फॉर आवर कम्युनिटी। हेंस मोरल फ्रीडम इज कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस टू द जनरल विल, बिकॉज वन इज ओबेइंग टू इट हिज और हर रियल और हायर सेल्फ बाय ओबेइंग जनरल विल। यदि आप जनरल विल को ओबे कर रहे हैं या उससे जो लॉ निकल रहा है उसको ओबे कर रहे हैं, तो आप अपने ही हायर सेल्फ को ओबे कर रहे हैं और ये आपको इनर या मोरल फ्रीडम देता है। दस ओबेइंग लॉ फ्लोइंग फ्रॉम जनरल विल इज रियल फ्रीडम इन मोरल सेंस, एज वन इज हिमसेल्फ बाय यूजिंग सेंस ऑफ जस्टिस द ऑथर ऑफ द लॉ इज फॉलोइंग वन सेल्फ। किसी और को आप फॉलो नहीं करते हैं, अपने को फॉलो करते हैं, वो भी अपने हायर सेल्फ को। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जनरल। आइए अब चर्चा करें कि उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुराई कैसे हुई है, क्रिटिसिज्म कैसे हुई है। यहाँ प्लसेस और माइनसेस मैंने लिया है, लेकिन मैं फोकस माइनसेस पे करूंगा। प्लसेस बहुत ऑब्वियस हैं कि इट वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट टू रिकनसाइल लिबर्टी विद अथॉरिटी, रीजन विद फीलिंग, मॉरलिटी विद पर्सनलिटी एंड सो ऑन, एंड इट गेव द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, जो कि बहुत नया था कि सिटीजन में बसी रहेगी कम्युनिटी और उसके ईच मेंबर में रहेगी, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया था, बहुत रिवोल्यूशनरी था एट दैट टाइम। और सिटीजन जो है ऑथर बन जाते हैं जनरल विल के और उससे जो निकलती है लॉ, और मास्टर खुद अपने बन जाते हैं अपने सेल्फ के और गवर्नमेंट के भी मास्टर बनते हैं। ये भी डेमोक्रेसी का बहुत ही नायाब आइडिया था। एंड जनरल विल का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट ही था कि एक मोरल इथिकल आइडियल जो कि सिटीजन सबके बारे में सोच के अल्ट्रुइज्म और दूसरे के लव पे सोच करके और डेलिब्रेट करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छी सोच थी। एंड इट वॉज ट्रूली इक्वलिटेरियन और इगैलिटेरियन। इसने डिसरिगार्ड किया प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ऑफकोर्स उसकी रक्षा की, लेकिन वो एज ए कस्टोडियन ऑफ कम्युनिटी है और इक्वल सिटीजनशिप की जो भावना थी, ये सब तो अच्छी बातें थी, लेकिन इसकी जो माइनसेस हैं वो उस पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहला आरोप लगाया जाता है कि ये बहुत यूटोपिक है, मतलब ये जो है इमेजिनेशन है, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। कैसे जो है एक लार्ज जैसे इंडिया जैसे कंट्री में क्या हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं जो मिल करके हर फैसला करे, उसमें जनरल विल कैसा आएगा, कैसे ये होगा? तो ये कॉम्प्लेक्स मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए शायद पॉसिबल नहीं है उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल। और ये जो जनरल विल का आइडिया ही इतना वेग और एम्बिगुअस है, ये होता क्या है, हायर सेल्फ क्या है, क्या कैसे वो जो है पीपल अराइव करेंगे एट जनरल विल, और उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या ये सबका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आ रहे आएगी, ये सब बहुत डिफिकल्ट है कि जनरल विल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। इनफैक्ट रूसो का खुद कहना था कि ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत छोटे से स्टेट में ही हो सकता है जहाँ की होमोजीनियस पॉपुलेशन हो, लोग एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे से जो अटैचमेंट डेवलप करें। ये इनकी दूसरी बुराई भी कि इन्होंने जो होमोजीनियस कम्युनिटी की बात की है और एक ऑर्गेनिक होल की बात की है, और जिसका कि इंडिविजुअल एक बॉडी का जैसे पार्ट होता है वैसा इनडिविजिबल पार्ट बन जाता है, अपनी आइडेंटिटी उसमें समाहित कर देता है, ये खुद बहुत बड़ी बुराई है कि इट अंडरमाइन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। एंड उनका जो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव लिबर्टी का है वो तो इतना उसका मिसयूज हुआ है, बिकॉज ये सोचना कि कोई यदि जनरल विल को ओबे नहीं कर रहा है तो रूसो ने बोला उसको फोर्सिबली ओबे कराया जाएगा, क्योंकि वी आर मेकिंग हिम फोर्स टू ओबे हिज हायर सेल्फ, मतलब उसको फोर्स टू फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। ये टोटलिटेरियन स्टेट ने इसका भरपूर यूज किया, चाहे फासिज्म हो चाहे कम्युनिज्म हो, उन्होंने कहा कि हम आपको पॉजिटिवली फ्री बना रहे हैं, स्टेट बिकम द गार्जियन। तो इनका जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट वो बहुत ही ट्रबलसम है, इसके चलते इनको कई लोग कहते हैं कि इन्होंने टोटलिटेरियन जो रूल है उसको इन्होंने
फिलोसफिकल गाइड दिया है, एंड इन्होंने जो है इलेक्टिव और एरिस्टोक्रेसी को प्रेफरेंस दिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट के केस में, वो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है कम्युनिटी करेगी, लेकिन उसके लॉ को इंप्लीमेंट करना, सुपरवाइज करना और प्राइवेट प्रॉपर्टी और लाइफ की रक्षा करना ये एक ग्रुप करेगा जिसको उन्होंने गवर्नमेंट बोला, और वो इलेक्टिव एरिस्टोक्रेसी मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए, इसकी भी बुराई की जाती कि यहाँ आकर के उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को छोड़ दिया। इट गेव टू मच इम्पोर्टेंस टू इमोशन एंड फीलिंग, आपने देखा कि कैसे जो है उन्होंने फीलिंग को, सेल्फ लव हो चाहे अदर्स के लिए लव हो चाहे पिटी हो, इसको उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी ओवर रीजन एंड रैशनलिटी, जो कि मॉडर्न समाज का एक बेस है, इसको भी एक बुराई मानी जाती है। और स्टेट को जैसा आपने देखा कि स्टेट एक मोरल गार्जियन बन जाता है, फादर फिगर बन जाता है, स्टेट में सभी अपनी आइडेंटिटी को समाहित कर देते हैं, सबज्यूम कर देते हैं और उसका इंडिविजुअल पार्ट बन जाते हैं, तो इस टाइप की जो स्टेट की कल्पना है वो बहुत लोगों को ये बहुत अनईजी लगती है, पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल लिबर्टी में विश्वास रखते हैं। सो दीज आर द माइनसेज ऑफ द फिलोसफी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो। ये रेफरेंसेज और सोर्सेज हैं जिसने मैंने मिनी रिसर्च की है, DU की रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट है, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और इग्नू की स्टडी मटेरियल और शोध गंगा के भी स्टडी मटेरियल हैं, आप भी इनको रेफर कर सकते हैं और कई मटेरियल को, और काफी अच्छे मटेरियल नेट पे अवेलेबल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा मेरे पैशन को बनाए रखने में, नॉलेज शेयर करने में। बी सेफ, बाय, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो।